मेरा मन क्यों तुम्हें खिलाए मेरा मन बक हाइड डिसेबल ना आर एबल टू तो सी स्क्रीन यस दिसक्रीन ये क्या है बताओ हार्ट के अंदर वो हार्ट के अंदर ये हार्ट के अंदर वर्म्स नहीं है ये चाउमिन का हाफ प्लेट है <laughs> देख रहे हो सो मैनी वर्म्स तो दिस इज में चलो उसके नेक्स्ट तो ये आपका सो दिस इज एलिफेंटिया है कि नहीं और ये आपको दिखाया था क्या मैं कभी ये जो आपका लेट्रिन ये देखो सो मेनी वर्म्स पूरा ब्रेन फोड़ के बाहर निकल रहे हैं ओके okay? एस्कैरिसम ये इज ट्रेचूर आ ये तो आपको दिखाया ही था मैंने इंटेस्टाइन वाला ये देखो एक बढ़िया वर्म है इसका नाम है ड्रकन क्यूल तो ये क्या है मालूम है ये एक वर्म है उस बच्चे के पैर से निकल रहा है तो ये इसका फीमेल जो है तीन मीटर तक लंबा हो सकता है तो अगर निकल गया तो उसको एक छोटा सा डंडा से हम उसको धीरे धीरे लपेट लपेट के बाहर निकालते हैं छिंडवा कथा नुह अगर टूट गया तो सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाएगा आदमी इसलिए प्यार से धीरे 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 इसको निकाला जाता है एंड जो हमारा कडुशियस है मेडिसिन में आपका कडुशियस होता है

वो हैंग हो गया स्क्रीन तुम तो लोग जिंदगी तो भर ज्वाइन करते रहोगे तो कैसे होगा चलिए सो तो so, गिनी वर्म का आपका सिलेबस में नहीं है वो सब आप खुद पढ़ के निकालेंगे ओके बिकॉज आपका जितना एनसीआरटी में चार लाइन है मैं सिर्फ चार लाइन पढ़ाऊंगा हमें पूरा एनसीआरटी टीचर हाँ बोलो सर तो यूट्यूब में पूछने से भूल देंगे नहीं यूट्यूब में वो वीडियो होगा तब तो <laughs> हाँ अगर मैं जैसे कुछ अच्छे बच्चों को लेकर वीडियो बनाऊंगा और उसमें अगर वो टॉपिक होगा आप देखोगे तो बोलोगे क्योंकि गिनी अब तुम्हारा ही क्लास तो यूट्यूब में रिकॉर्ड होता है ना तो अब आप उसमें आपको गिनी मिलेगा ही नहीं चलिए तो वो सब आप खुद पूछेंगे टू योर फ्रेंड द बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड कालूस चलिए अब हम लोग का कहा थे हम लोग हम लोग का तो पुअर एनसीआर टीचर है हाँ बोलो जल्दी बोलो एक्सक्यूज हाँ बोलो सर ये जो सारा फोटो दिखा रहे हैं वो जो सारा आ, मेडिसन खाने से तो चला जाएगा ना सर हाँ, चल, चला जाना चाहिए कोई गारंटी नहीं होता है क्योंकि ये लोग काफी बड़े वर्म होते हैं ना वो जाना नहीं चाहते हैं समझे कि नहीं तो जैसे हाँ। जैसे हम लोग गाना नहीं गाते कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता तो वो गाना वो भी गाते हैं ना तुम बिन जिया जाए तो वो गाना सुने क्यों नहीं? तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन तो वो गाना एक्चुअली कौन गाता है पैरासाइट पैरासाइट्स आपके बिना जी नहीं सकते तो वो कैसे जिएंगे तुम्हारे बिन बताओ तो इसलिए तुम उनको निकालने का कोशिश करोगे वो बोलेंगे हमें हमें जिबू जिबू नहीं नहीं हम आपके अंदर ही रहेंगे प्लीज हमें मत निकालो हमें अंदर रहने दो तो ये एक होता है एंड जो जीत गया वो वो जाएगा आगे आ गया मजा yes, चलिए yes, इसलिए ये एक लड़ाई होता है दिस इज अ फाइट तो देखो कितना सुंदर सुंदर गाना भी मैं आपको सुना दिया करता हूँ

एबसेंद एबसेंस ऑफ फेजमिट्स तो मैंने आपको क्या बोला था किसी किसी में फैज मिलता है किसी किसी में नहीं मिलता है तो फैजमिड है तो फैजमीडिया फैजमिड phasmid नहीं है तो ए फैजीडिया अंडरस्टैंड तो इसीलिए क्लास वन और फेजमीडिया तो उसमें फैजमिट्स आर क्लास वन इज ए फेजमीडिया तो, अगर होते हैं, तो वहां आपका ये जो कॉर्डल एडेसिव ग्लैंड होता है तो उसको हम यहाँ लिख देने से चलेगा so, adhesive, so, adhesive glands present. Okay? तो फेजमिड नहीं तो कॉडल एडेसिव ग्लैंड आ जाते हैं Understood? Receive, क्या करेंगे वो चिपकने में मदद करेंगे Feds, तो हर एक का होता है तो फिडस आपका एवरीबडी आपको पॉइंट याद रखने का भी जरूरत नहीं है एनसीआर में नहीं दिया है ना अब इसमें आपका एग्जाम्पल ले लो तो ये सब जनरली फ्री लिविंग वर्म्स हैं इनोप्लस मरमिस प्लेक्टस डेस्मोसोल्स एटसेट्रा अब क्लास टू फेजमीडिया तो इसमें आपके मोस्ट पैरासाइटिक वर्म्स आ जाएंगे मोस्ट पैरासाइटिक राउंड वर्म्स ठीक है तो मोस्ट मोस्ट पैरासाइटिक साइटिक वर्म्स आ जाएंगे आपको जूलॉजिकल टैक्सोनॉमी अच्छा लग रहा है ना बॉटनिकल टैक्सोनॉमी जूलॉजिकल जूलॉजिकल एक्चुअली बट ये और हम एंजॉय कर सकते थे बट वी हैव हैव वी शॉर्टेज ऑफ टाइम तो स्कूल में इतना और नहीं हो सकता है क्योंकि हमें स्कूल में 110 सौ दस से एक क्लासेस में सिलेबस खत्म करना होता है तो आप फिजियोलॉजी कम से कम 60 क्लास खाएगा अगर मैं छह दिन भी पढ़ा हु तो आपका वहां 10 चैप्टर है तो वो 60 दिन खाएगा और तुम लोग को तो बायोकेमिस्ट्री में ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा वो हमको एनसीआर वाला ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जितनी की समय है पठा हो तो इसलिए ये सब आपको खुद से अच्छे से करना पड़ेगा क्या बायो केमिस्ट्री सेल इज ब्रेड एंड बटर ऑफ बायोलॉजी तो वेरी डिपेंड्स अपॉन टाइम प्लस वैसे भी तुम लोग बहुत देर से ज्वाइन किए तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चलिए तो आप लोग कोरोना को बुला के ले आए इसलिए गड़बड़ हो गया तो अब इसमें फैजमिट्स प्रेजेंट तो फैजमिट प्रेजेंट है और आपका ये सब कुछ खास जरूरत नहीं है ओके okay, चलिए तो इसमें आपके बाकी सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जो ज्यादा खतरनाक है तो उसमें आपके बहुत सारे पैरासाइटिक एनिमल्स आ जाएंगे ठीक है बोलिए। सर आपको पढ़ाया था ना फर्स्ट पेज में हमने क्या पढ़ा था दो तरह का इसका सेंसॉर्गन होता है एक माउथ के पास होता है एक टेल के पास होता है माउथ के पास जो है वो सबके पास होता yes. है उसको एम्फिट्स बोलते हैं टेल के पास जो होता है वो किसी किसी के पास होता है उनको फेजमीडिया बोलते yes. हैं एंड वो फेजमेड होता है काम दोनों का एक जैसा है कीमोअल्टो रिसेप्टर होते हैं मतलब वो स्मेल में मदद करते हैं ठीक है दे हेल्प यू इन स्मेल तो इसलिए एम ये याद रखना क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है टेल वाला and amphids, mouth वाला एंड माउथ ओके तो याद रखेंगे तो अब इसमें काफी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे ट्राइचूर ये व्पम है प्लीज रिमेम्बर आपको ये सब नाम अंडरलाइन करना है एक्चुअली मैं यहाँ नहीं कर सकता इसलिए वो मेरा प्रॉब्लम है तो ट्राइचूरिस इज विप वम ट्रिचिनरा जो है इसमें आपका जो भी इस जो एनिमल के पीछे एसिस या ओसिस लगा दोगे तो वो डिजीज हो जाएगा इस डिजीज. ट्रिचिनोसिस इस डिजीज है कि नहीं? तो ट्रिचिनेला जो है वो आपका जो स्पाइरली कॉल्ड वर्म था दिस इज कॉल्ड ट्रिचिना वर्म ट्रिचिना वर्म जो मैंने दिखाया था ना मसल्स में गोल गोल बना देता है रेपडिटिस जो है ये एक है, दिस इज कॉमन कॉमन राउंड वर्म ओके अब जनरली जो बच्चे होते हैं जो एस्केरिस के वो रैबडिटिस जैसे दिखते हैं इसीलिए उसको रैबडिटी फॉर्म लार्वा बोला जाता है समझ रहे हो इट लुक्स लाइक रेपडिटिस सो दे आर कॉल्ड रेपिटी फॉर्म लार्वा बट वो एक्चुअली लार्वा नहीं होता है एंटेबियस पिन वर्म आपका जब एनस में किसी को एनस में खुजली होता है सुलसुल सुलसुल -सुल होता है तो वो एक्चुअली पिन वर्म के कारण होता है तो पिन वर्म की फीमेल जो होती है जब आप आराम से रेस्ट कर रहे होगे शांत होगे ना तो वो बाहर आती है सांस लेने के लिए क्यों उसको अंडे के अंदर ऑक्सीजन भरना होता है ओके okay? तो इसलिए जब वो बाहर निकाले निकलेगा तो आपको सुलसुल होगा तो आप उसको स्क्राच, 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 स्क्राच कर दोगे। तो दैट इज कॉल्ड एस्कैरिस एनसाइलोस्टोमा मैंने आपको दिखाया ड्रैकनक्यूलिम वो फाइलेरियल वर्म ये आपका फाइलेरिया कॉज करता है बोले बोले सो दिस इज द कंसेप्ट लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका अब उसके लिए आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा क्योंकि उतना वक्त है नहीं पूरा डिटेल्स में करने के लिए तो आप उसमें देख लेंगे फोटो में आपका ये मैंने जो भी अच्छा बुक्स होगा उसमें मिल जाएगा उसका लाइफ साइकिल ठीक है Uh, figures. Oh, wow. तो दिया उसको पेस्ट बना दो जो uh, कहाँ है हमारा क्या मैं कराने वाला था आपको एस्कार लाइफ साइकिल तो है है आए नहीं आए एस्केरिस लाइफ साइकिल शायद नहीं है ऐसा नहीं है फाइलेरियल वर्म दे निरवा इट्स नॉट देयर एस्केरिस लाइफ साइकिल इज नॉट दे अच्छा 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 चले सो so एक्चुअली एस्केरिस क्या होता है वो आपके बॉडी में घूमता है सैर करता है प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर इफ यू आर सींग दिसग्राम ये आप डायग्राम देख रहे हो दिखा या नहीं दिखा यस yes, yes, तो जल्दी yes बोलो टाइम नहीं है आपके लिए आप देखो ये आप टटिया है टे आपने लेटरिन किया तो लैट्रिन में आपका एम्ब्रियोनेटेड एग्स आया देख रहे हो तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स आपके लेटरिन में आया एंड इस अंडे के अंदर अभी पहला लार्वा आ गया ये लार्वा लिखा होता है बट आप उसको लार्वा नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका फर्स्ट लार्वा आया फिर वही फर्स्ट लार्वा आपका अंदर मोल्टिंग करके सेकेंड लार्वा बन जाता है यही सेकेंड लार्वा इन्फेक्टिव टू मैन होता है समझ रहे हो अब अगर आपने जैसे निशि पदमा ने वो चॉकलेट खाया उसको कौन सा लार्वा मिला सेकेंड लार्वा आपने गुपचुप खाया तो आपको कौन सा लार्वा मिला सेकेंड लार्वा यही सेकेंड लार्वा आप खाते हो तो ये कहा से निकला तुम्हारे टट्टी से एंड तुम ने खा लिया इसको कहते हैं फिकल ओरल रूट ओके तो जैसे ही आप खाते हो इसका जो सिस्ट वाल है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड लार्वा बाहर निकल आता है तो जैसे ही लार्वा निकल आता है अब उसका मन करता है कि थोड़ा घूमा जाए जैसे तुम लोग कहीं जाते हो डैडी मम्मी के साथ घूमने के लिए तो वो भी घूमने के लिए आ जाते हैं एक नया बॉडी में आए ना तो आप देखना चाहते हैं कि उसके बॉडी में क्या क्या है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एलिमेंट्री कैनाल को छेद करके बाहर निकलते हैं और ब्लड वेसल में घुस जाते हैं अब वो लिवर में जाते हैं लिवर से हार्ट में जाते हैं हार्ट से लंग्स में जाते हैं लंग्स में वो खुली वादियों में आ जाते हैं एंड वो ऑक्सीजन ब्रीथ करने लगते हैं एंड दे डेवलप एंड एंड मोल्टिंग वो फोर्थ स्टेज लार्वा बन जाते हैं तो सेकेंड स्टेज लार्वा आपका मोल्टिंग करता है थर्ड बनता है थर्ड फिर से मोल्टिंग करके फोर्थ बनता है इसे लंग्स में कितना मोल्टिंग होता है दो बार देर आर टू टाइम्स मोल्टिंग एंड अब ये फोर्थ स्टेज लार्वा आपके खासो में आता है जैसे आप खांसते हो कफ निकलता है कि नहीं आपके माउथ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कफ क्या करोगे सपोज यू आर इन साइड ए क्लासरूम एंड तेजस को कफ आ गया अब वो कफ क्या करोगे जल्दी बोलो टाइम नहीं है तुम्हारा उधर कहीं पे टाइम हो गया माउथ में कफ आने से क्या करोगे जाके वॉश बेसिन में थूक देंगे अच्छा तुम्हारे क्लासरूम में वॉश बेसिन होता है सर जाएंगे सсуаलो वेरी गुड यू आर अ गुड बॉय ओके तुमको मैं वॉश बेसिन करने के लिए भेजूंगा तुमको मैं वॉशरूम भेजूंगा ये क्लासरूम है ना तुम्हारा वॉशरूम का फैक्ट्री है इडियट बेटा जी सर आप चुपचाप बैठ गए तो आप क्या करोगे कफ का स्वेलो कर लेंगे वेरी सिंपल देखो यू आर निशी पदवार कौन है जो हु इज टॉकिंग टू मी स्वागतिका स्वागतिका जी आपने कफ फेंक दिया होता तो कितना अच्छा होता ए लार्वाटा बाहर को पड़े थानता अभद्र को कालरा तुमने उसको क्यों नहीं फेंका बोलो सर क्योंकि जाने नहीं दिया जाएगा ठीक से हम भी कभी कोई भी नो मौन आर देशों तो तुम बोलोगे सर वो मेरे को टेस्टी लगता है इसलिए मैंने खा लिया डोंट ब्लेम द टीचर ओके चलिए अब आपको वो स्वालो कर लिया तो जैसे ही स्वालो कर दिया फोर स्टेज का लार्वा का मजा आ गया बोला जाहो वंशी गली रे बाबा अभी फेंकने वाली थी स्वागति अब वो घूम फिर के आएगा वापस वो अपने घर में आ गया इंटेस्टाइन वहां वो फिर से मोल्ड करके आपका एडल्ट बन जाएगा फिर प्रेम प्रसंग करेगा हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है दूर इंटेस्टाइन में जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे अब प्रेम प्रसंग करेगा लव शव करेगा गाने वाने गाएगा कॉपुलेट करेगा पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो समझ रहे हो आप बहुत सारे अंडे बनाएगी फीमेल एंड फिर टट्टी में फेंक देगी लाइफ लाइफ तो तो देख रहे हो एक्चुअली दिस वेरी बिग साइकिल अगर लिखने बैठो तो एक क्लास खा जाता है तो समझ रहे हो तो जो मुझे आपको पढ़ाना नहीं चाहिए बिकॉज आपका सिलेबस में है नहीं बट आप तो जानते हो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं मजबूरी में बता देता हूं। चलिए सो नाउ यू गेट दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द तो इसलिए मैं आपको yeah, एक छोटा yeah. सा फोटो भेज देता हूँ क्योंकि बड़ा तो फोटो आएगा नहीं सो आई विल सेंड यू स्मॉल फोटोग्राफ ये मिल जाता है आपको बुक्स में भी तो दिस इज केस चलिए सो आपका नेमाटोडा फेनेस

आप कोई मर्जी बुक खरीदो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली मोटा मोटा बुक खरीदोगे तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा पतला पतला बुक खरीदोगे तो कम क्वेश्चन मिलेगा तो पे, मोटा ले आपका नॉन एनसियाटिक क्वेश्चन उसमें होगा पतला बुक खरीदोगे तो नॉन एनसियाटिक क्वेश्चन नहीं होगा बस अब सब लोग मेरे को व्हाट्सएप कर करके कर मेरा क्यों वो बढ़ाते व्हाट्सएप वो का स्पेस बढ़ाते हो ओके यू अपना भेजा लगाओ तो अगर ज्यादा क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेटली आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े आप नहीं कर सकते एंड माई प्रॉब्लम इज दैट वॉट इज माई प्रॉब्लम